नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। बसंत पंचमी पर इस बार दो महत्वपूर्ण संयोग बन रहे हैं। ये संयोग भारत और दुनिया के लिए खुशहाली का संकेत है। संयोग के कारण देश और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का जन्मोत्सव यानी कि बसंत पंचमी 29 जनवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे दो शुभ मुहूर्त का संयोग भी बन रहा है। इस कारण पंडितों ने इसे वागदान, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत आदि संस्कारों और अन्य शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना है। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की आराधना के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त भी रहेंगे। ऐसे में खूब शहनाइयां बजेंगी। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक बसंत पंचमी इस बार विशेष रूप से श्रेष्ठ है। वर्षों बाद ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति इस दिन को और खास बना रही है। इस बार तीन ग्रह खुद की ही राशि में रहेंगे। मंगल वृश्चिक में, बृहस्पति धनु में और शनि मकर राशि में रहेंगे। विवाह और अन्य शुभ कार्यों के लिए ये स्थिति बहुत ही शुभ मानी गई है। बसंत पंचमी अबुझ मुहूर्त वाले पर्व की श्रेणी में शामिल है, लेकिन इस दिन वीरवार और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र होने से सिद्धि योग बनेगा। इसी दिन सर्वार्ध सिद्धि योग भी रहेगा। दोनों योग रहने से वसंत पंचमी की शुभता में वृद्धि होगी। वसंत पंचमी को लेकर पंचांग भेद भी है, इसलिए कुछ जगहों पर ये पर्व 29 को और कई जगहों पर 30 जनवरी को मनाई जा रही है। वसंत पंचमी तिथि बुधवार सुबह 10:46 से शुरू होगी, जो वीरवार दोपहर 1:20 तक रहेगी। दोनों दिन पूर्वांग व्यापिनी तिथि रहेगी। ग्रंथों के अनुसार चतुर्थी तिथि विद्या पंचमी होने से शास्त्रोक्त रूप से 29 जनवरी बुधवार को बसंत पंचमी मनाना श्रेष्ठ रहेगा। वराह पुराण और माधव मतानुसार चतुर्थी विद पंचमी ही लेना श्रेष्ठ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।